एवं किसान कल्याण के उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का तीसरा चरण पलवल जिले में शुरू कर दिया गया है। जिले के प्रत्येक किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को भूमि के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड पर किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा सैंपल नंबर अंकित होगा। फसल की पैदावार के लिए मिट्टी सही है या नहीं, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के बारे में जानकारी किसानों को मिलेगी। पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि शामिल हैं। मिट्टी में फसल के उत्पादन के लिए खाद की मात्रा के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग NSS वॉलेंटियर की सेवाएं लेगा। NSS के वॉलेंटियर किसानों से संपर्क करेंगे और किसान के खेत से मिट्टी एवं पानी के नमूने लेंगे। जो भी पात्र किसान है उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने के साथ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया गया है उसके अनुसार ही खेती करें। किसान के खेत की मिट्टी में जिस भी पोषक तत्व की कमी है उसके अनुरूपी खादों को प्रयोग करें। देखिएगा, अब की बार जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है वो तीसरा साइकिल शुरू हो चुका है इस वर्ष से। इसमें NSS के वॉलेंटियर्स की सेवाएं लेते हुए जिले में 3 साल के अंदर हमने हर प्रत्येक किसान को उसकी ज़मीन के आधार पर, जो लोकेशन के आधार पर जो भी पात्र किसान है उसको सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ उसको ये भी अवगत करवाया जाएगा कि आप जो सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार के ऊपर जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स की जो खाद की जरूरत है उतना ही यूज़ करें। ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से स्वास्थ्य पर जो नुकसान पड़ता है उसके बुरा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। और इसके लिए हम NSS के वॉलेंटियर्स के साथ संपर्क करके एक जल्दी एक दिवसीय अगले सप्ताह एक दिवसीय कैंप लगा के उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।